Hello friends, welcome to PS Art. I am Dina Jain. For learning Photoshop from basics to advanced, please subscribe to this channel and press the bell icon. आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट लावा टेक्स्ट इन फोटोशॉप. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करना है. यहाँ पे डॉक्यूमेंट की साइज विड्थ 1280 और हाइट 720 रखना है. पिक्सल्स में ही रखेंगे, रिजोल्यूशन 72 रखेंगे. कलर मोड RGB कलर सेलेक्टेड है. बैकग्राउंड कंटेंट्स वाइट है. इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे. अब इसे स्क्रीन में फिट करने के लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए 0 की प्रेस करेंगे. अब हमें इसमें ब्लैक कलर फिल करना है, तो यहाँ से पेंट बकेट टूल सेलेक्ट कर लेंगे. यहाँ पे फोरग्राउंड कलर ब्लैक सेट है मेरा. अगर आपका नहीं है तो आपको D की प्रेस करना है. तो ये बाय डिफॉल्ट फोरग्राउंड कलर ब्लैक और बैकग्राउंड कलर व्हाइट सेट हो जाएगा. इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है. आप देख सकते हैं ब्लैक कलर फिल हो गया. अब हमें यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है, तो इसके लिए यहाँ से टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे. फॉन्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ये वाला यूज करूंगी, हैप्पी डेज. आप चाहे तो दूसरा फॉन्ट भी यूज कर सकते हैं. इसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे. टेक्स्ट का कलर आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाइट सेलेक्टेड है. इसका हैश कोड 6F है. इसके बाद ओके पे क्लिक करना है. और फिर यहाँ पे क्लिक करके जो भी टेक्स्ट आपको टाइप करना है वो टाइप कर लेंगे. तो मैं यहाँ पे टाइप कर लूंगी लावा. इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे. अब हमें टेक्स्ट की साइज बढ़ानी है, तो कंट्रोल की को होल्ड करते हुए T की प्रेस करेंगे. और फिर ऑल्ट और शिफ्ट की को होल्ड करते हुए यहाँ कॉर्नर से इसे ड्रैग करना है बाहर की तरफ. और फिर इसे यहाँ पे सेट कर देंगे. इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है. अब हम फिल्टर मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे ब्लर के अंदर गोशियन ब्लर ये वाला सेलेक्ट करना है आपको. और फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे रेडियस 6.0 पिक्सल्स रखना है आपको. इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे. अब हम एडजस्टमेंट में लेवल्स इसे सेलेक्ट करेंगे और ये एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे. ये 150 रख लेंगे और यहाँ पे मिड टोन्स की वैल्यू 0.50 रख देंगे. और यहाँ पे 255 ही रखेंगे. इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है. अब हम फिर से एडजस्टमेंट में जाएंगे और यहाँ से कलर बैलेंस इसे सेलेक्ट करना है आपको. यहाँ पे टोन में अभी मिड टोन सेलेक्टेड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और शेडो सेलेक्ट करना है आपको. और फिर यहाँ पे इसे बढ़ा देंगे, यहाँ से 100 कर लेना है. और येलो में आपको -100 करना है. इसके बाद यहाँ पे टोन में मिड टोन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे भी अब 100 कर लेंगे. और येलो में -100 करना है आपको. और मैजेंटा में -40 रख देंगे. इसके बाद टोन में हाइलाइट्स इसे सेलेक्ट करना है आपको. और यहाँ पे इसे बढ़ा देंगे और इसको -100 और इसे भी -100 कर लेंगे. इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है आपको. अब ये टेक्स्ट वाली जो लेयर है इसे सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से ब्रश टूल सेलेक्ट करना है. ब्रश यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्ट राउंड ब्रश सेलेक्ट करना है. साइज 100 पिक्सल है. इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है. ओपेसिटी यहाँ पे कम करनी है आपको, 8% कर लेंगे. इसके बाद एंटर की प्रेस करना है आपको. फ्लो 100% ही रखना है. और यहाँ पे फोरग्राउंड कलर ब्लैक रखना है. तो यहाँ पे मैं D की प्रेस करूंगी. और अब यहाँ पे ब्रश को घुमाना है. और फिर कलर बैलेंस वाली जो लेयर इसे सेलेक्ट करेंगे. इसके बाद कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट की को होल्ड करते हुए E की प्रेस करेंगे. आप देख सकते हैं ये इसका स्क्रीनशॉट बन गया यहाँ पे. अब हम इन लेयर्स को ऑफ कर देंगे. यहाँ पे आपको लेयर वन को ही सेलेक्ट रखना है. इसके बाद सेलेक्ट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से कलर रेंज इसे सेलेक्ट करना है. यहाँ पे अभी सैंपल्ड कलर्स ये सेलेक्टेड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे. और यहाँ से शेडोज इसे सेलेक्ट करना है आपको. इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे.
और अब हम फिर से सेलेक्ट मेन्यू में जाएंगे और यहां से इनवर्स इसे सेलेक्ट करेंगे। अब हमें इसका डुप्लीकेट लेयर बनाना है, तो इसके लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए जय की प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं डुप्लीकेट लेयर बन गई। अब हम इसे ऑफ कर सकते हैं लेयर वन को। अब हम लेयर टू पे राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएंगे और यहां से आउटर ग्लो इसे सेलेक्ट करना है। ब्लेंड मोड अभी स्क्रीन है, इस पे क्लिक करेंगे और यहां से नॉर्मल सेलेक्ट करना है। ओपेसिटी 75% ही रखेंगे और कलर यहां पे चेंज करना है, तो यहां पे क्लिक करेंगे और यहां से रेड कलर सेलेक्ट कर लेना है। यहां पे हैश कोड टाइप कर लेंगे FFF40। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। टेक्निक में आपको सॉफ्टवेयर ही रखना है, स्प्रेड वैल्यू यहां पे बढ़ाना है 2% कर लेंगे और साइज 50 पिक्सल कर लेंगे। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। अब हम फिल्टर मेन्यू में जाएंगे और यहां से डिस्टॉर्ट के अंदर जिगजैग इसे सेलेक्ट करना है आपको। अमाउंट यहां पे 10 रखेंगे और रिड्स 5 रखना है और स्टाइल में पोन रिपल सेलेक्टेड है अभी, यहां पे क्लिक करना है और यहां से अराउंड सेंटर इसे सेलेक्ट करना है आपको। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा लावा टेक्स्ट कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। सो फ्रेंड्स आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू आर अ न्यू विजिटर देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।